उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे में सेंधमारी करने की पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस तो यहां तक दावा कर रही है कि बीजेपी के 6 विधायक कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं, उनके संपर्क में हैं। बीजेपी का दावा है कि हम लोगों ने भी चिन्हित कर लिया है कि कौन बागी नेता कांग्रेस के संपर्क में, और ऐसे लोगों पर हम लोगों की नजर है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस के संपर्क में हैं वो अगर चले भी जाएंगे तो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्या सच में बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं? क्या दल बदल का खेल एक बार फिर उत्तराखंड में शुरू होने वाला है? और क्या ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस सीएम फेस के बिना अब चुनाव लड़ने वाली है? शायद यही एक बड़ी चाहत रही हो कि सीएम की कुर्सी वहां पर खाली है, तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम बनने का अच्छा चांस है। लेकिन क्या बीजेपी कांग्रेस को जीतने देगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन चर्चा करेंगे और उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में सियासी जोड़तोड़ की सियासत, बीजेपी के विधायकों पर कांग्रेस की नजर, कांग्रेस की चाल पर बीजेपी करेगी प्रहार। उत्तराखंड में 2022 में होने जा रहे चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक और अब बीजेपी से कांग्रेस में विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ऐसे दावे कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है और कभी भी हो सकता है। निश्चित रूप से हमारे बड़े नेता एक साथ बैठ रहे हैं, पार्टी की कोर कमेटी है, उसमें चर्चा भी होनी है, कई बातों में विचार विमर्श भी होना है। और देखिए, कुछ भी आपको जो भी मिलेगा अच्छा संकेत। वहीं बीजेपी का दावा है कि वैसे तमाम विधायकों को चिन्हित कर लिया गया है जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, लिहाजा उनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस से 2 कदम आगे की सोच रखते हुए काम कर रही है, कांग्रेस अपनी गलती का खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहे। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को जो करना हो कांग्रेस करे और हम भी तैयार बैठे, चिंता मत कीजिए, कांग्रेस डाल हम पा। उत्तराखंड में दल बदल का खेल जैसे सियासी शौक हो गया हो, चुनाव से पहले जैसे सभी पार्टियों के लिए किसी गेम की तरह हो, लेकिन सवाल है कि जनता को लुभाने के लिए क्या दल बदल वाला खेल कारगर साबित होगा? वैसे एक बात तय है कि उत्तराखंड में जनता से ज्यादा जैसे नेता हो गए हों, यही वजह है कि जनता की बात कम और सियासत ज्यादा होती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो देखिए किस तरह से दावे किए जा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो कांग्रेस में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, और वहीं बीजेपी कह रही है कि हाँ, हमारी भी नज़र है वैसे तमाम नेताओं के ऊपर जो बीजेपी जो कांग्रेस के बड़े नेताओं से जिनकी बातचीत चल रही है उनके संपर्क में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। और बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि ऐसे चिन्हित लोगों के जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी को ही पता है कि ऐसा हो रहा है, कांग्रेस भी लगातार इस तरह की कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से, चूंकि कांग्रेस में बड़े चेहरे की कमी होती जा रही है तो बड़े फेस को कैसे खींचा जाए, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कई पार्टियों के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और भी आप जुड़ेंगे सत कुमार जी। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। मथुरा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर सुभाष बर्थवाल जी हैं बीजेपी के नेता। सुभाष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर सबसे पहले मैं आऊंगा मथुरा दत्त जोशी जी के पास मैं आऊंगा। मथुरा जी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि कई विधायक जो हैं बीजेपी के कांग्रेस में आने के लिए तैयार हैं, आप 3-4 महीने के बाद चुनाव है, अभी भी आप लोग दल बदल से बाहर निकलने की कोशिश में नहीं हो, क्या मान लिया जाए कि उत्तराखंड में आप
हरीश रावत के चेहरे पर अब चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, मतलब सीएम पद को लेकर कोई इस तरह की घोषणा नहीं हो पाई, आलाकमान की तरफ से बड़ा झटका दिया गया, क्या माना जाए कि ये लालच दिया जा रहा है कि देखिए अब किसी को भी सीएम बनाया जा सकता है, तो दरवाजा खुला हुआ है, आ जाइए सब। देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, स्वयं आज भाजपा ने भी मान लिया कि उनके यहाँ पार्टी छोड़ने वाले हैं विधायक, और ये उन्होंने भी माना है, आपने भी बैठ दिखाई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आना चाह रहा है, देशकाल परिस्थिति है, राजनीतिक संभावनाएं है, अपना देखभाल करके आएगा, अपने हिसाब से आएगा, लेकिन भाजपा में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, बहुत जबरदस्त उठापटक चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है भाजपा में, आपसी लड़ाई है भाजपा की। तो इसमें हमारा तो साफ कहना है ठीक है आएगा समय के अनुसार, जो आएगा हम उसको शामिल भी करेंगे, और जो भी राजनीतिक स्थिति बनेगी उस हिसाब से। क्या क्या मथुरा जी, क्या मथुरा जी, क्या सेंधमारी करने की जरूरत है क्या कांग्रेस को? क्या कांग्रेस वाकई में बिग फेस क्राइसिस से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए जो चला गया उसको किसी तरह से ले आना है? आप लोगों ने कोई नया नेता, नया चेहरा बनाने की कोशिश नहीं की? कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई सेंधमारी नहीं है। भाजपा से तो स्वयं मारे, आपने देखा कोई हाल में कैबिनेट यशपाल आर्य जी आ गए, उनके पुत्र आ गए, दो विधायक आ गए, अन्य लोग भी आ रहे हैं, बड़े नेता भी आ रहे हैं, अभी 5-6 विधायक संपर्क में है, समय आने पर उनका नाम भी बताया जाएगा, समय आने पर उनकी एंट्री भी की जाएगी, उनको पार्टी में शामिल भी किया जाएगा। क्या क्या मथुरा जी आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप करेंगे तो बीजेपी वाले भी तो करेंगे, फिर तो यही होगा ना कि चुनाव से पहले जिसको जिस पार्टी में जाना है पहले काम कर लो, जनता के मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, दल बदल पर ज्यादा बातचीत हो रही है। मथुरा जी देखिए ना, बीजेपी तो इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की जननी है, 2007 में CPS रावत इस्तीफा कराकर वही लेके थे और उसने खंडूरी जी के लिए इच्छा लिखी थी, तो हम लोग तो फिर भी ये काम नहीं करते हैं, फिर भी सोच समझ के करते हैं, और हम तो लोग आ रहे हैं लाइन में लगे हुए, कह रहे हैं कि हम भाजपा में टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम आपके चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, कितना कितना देखिए आपकी आपकी बात में कितना दम है मथुरा जी, दरअसल आप जो कह रहे हैं ना कि समय बताएगा, सब कुछ बता देगा, कौन आना चाहता है नहीं आना चाहता है, लेकिन एक बात है कि दल बदल का खेल यदि आप शुरू करेंगे तो दूसरी पार्टी भी शुरू कर देगी, फिर जनता के मुद्दों से ज्यादा इन सब चीजों पर ज्यादा चर्चा होगी। सुभाष जी के पास मैं आता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता आप इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभाष जी एक बात बताएं सर, आप लोग ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कई नेताओं को चिन्हित किया गया है, विधायकों को चिन्हित किया गया है जो कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है, चिन्हित किया गया है, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या बीजेपी इंतजार कर रही है कि जाने वाला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा है क्या कि कुछ नेता आपकी पार्टी से चले जाएं और आपकी पार्टी को फर्क ना पड़े? नहीं, मैं तो आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ ये कि ऐसा कि हमने बीजेपी ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट की पार्टी है, और इसमें जो है बहुत ज्यादा चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है, वैसे भी चुनावी माहौल है, इसमें इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं, और इस तरह की अफवाहों से भाजपा की सेहत पर कोई असर पड़ता हो, पिछले जो है 2-3-4 दशक से तो हम भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमने जो है कहीं उसका असर पड़ते हुए देखा नहीं है, और क्योंकि ये बिल्कुल संगठन आधारित कार्यकर्ता आधारित एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और चुनाव के समय इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखिएगा 4-4.5 साल के वक्फे में जितने किस्म के भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने सभी चुनावों को फतेह करने का काम किया, इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जब उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो कहीं कुछ कहने की गुंजाइश बचती नहीं है। आपने भी जो है अपने चैनल्स पे बहुत सारे इस तरह के जो है डिबेट्स किए हैं, जब सहकारिता के चुनाव हुए, छात्र संघों के चुनाव हुए, या फिर जो है जो नगर पंचायत नगर निकायों के चुनाव हुए, तो एक तरफा भाजपा को लोगों ने जो है सरमाथे पर बिठाया, तो कहीं ना कहीं हमारी नीतियां, हमारे जनोपयोगी काम, हमारा प्रति जो है जनता का विश्वास,
वो प्रकट होता है और वो कायम है, इसका जो है टेस्ट हो चुका है। और जिससे द्रुत गति से जो है हमारी सरकार लगातार काम कर रही है नए मुख्यमंत्री के और कार्यकाल में भी। नहीं, मुझे मुझे सुभाष ये जानना था, सुनिए तो, मुझे सुभाष ये जानना था, क्या क्या जो दावे कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं कि आपके कई नेता उन लोगों के संपर्क में हैं, जाने वाले हैं, क्या इस दावे में सच्चाई है किसी तरह की? आपके प्रवक्ता बीजेपी के जो हैं शादाब शमसी, उन्होंने भी कहा कि यहाँ चिन्हित किया गया कई लोगों को और उनके जाने होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कांग्रेस कोई षड्यंत्र करती है, साजिश रचती है, तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। नहीं देखिए, अब किसी ने क्या कहा, किसी दूसरे ने क्या कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है घर घर तक लहरा रहा हो और ऐसे में कोई उसको छोड़ने की बात करे तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि ही जो है कहा जा सकता है। और बात ये है कि ये तो चरमोत्कर्ष है भारतीय जनता पार्टी का, इस समय तो स्वर्णिम काल है और इस स्वर्णिम काल में तो सभी लोग खास से लेके आम तक जो है वो भाजपा का साथ करना चाहते हैं, भाजपा का जो है साथ देना चाहते हैं। और ऐसे हालात में मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोरी अफवाह के सिवा कुछ हो सकता है। चलिए ठीक है, अफवाह है तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर सच्चाई है तो फिर कांग्रेस पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है, कांग्रेस की नज़र है कई विधायकों को तोड़ने में। और जैसा कि मथुरा जी भी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार जी, इस वक्त जुड़ चुके हैं। बसंत जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद श्रीमान। आप बसंत जी एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी देखिए अब आप लोग जो है डिबेट में आने लगे और डिबेट के साथ ही साथ जो है आप जमीन पर आप लोगों का एक बड़ा काम चल रहा है, रोजगार गारंटी यात्रा से लेकर हर जगह किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आप सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस को भी घेर रहे हैं। जनता के बीच में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा ही है, आम आदमी को कोई सीरियस नहीं ले रही है, जबकि भीड़ कुछ और कह रही है। बसंत जी देखिए, ये तो उनका अपना समाज में क्या परसेप्शन क्रिएट करना है, आज तक किस तरीके से वो सत्ता पर बने हैं, लोगों को बेवकूफ बना के, बरगला के, फुसला के, बहला के और किसी भी तरीके से गलत फहमियां पैदा करके क्या नरेशन क्रिएट करना है, ये लोग तय करते हैं, ये अपने लिए तय करते हैं। लेकिन अब समस्या बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज्यादा संशय में है, परेशान है भाजपा भी कांग्रेस भी, इनके लिए अपने आदमी संभालने मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया, ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि अगली बार सरकार किसकी आएगी। इनका तो हमेशा ये अंदाजा रहता था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो अगला चांस अब जो है बारी कांग्रेस की आने वाली है, इसलिए भाजपा के सारे कांग्रेस में आ जाते थे। फिर कांग्रेस की पारी पूरी हुई, उसके बाद कांग्रेस की पारी के बाद फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पारी आने वाली है, कांग्रेस वाले फिर भाजपा में आ जाते थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने इनकी समस्या बढ़ा दी है, इनकी तकलीफ बढ़ा दी है, ये बेचारे बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि कहीं अभी कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, ये तय है। इनका संशय, इनकी समस्या मैं दूर कर देता हूँ, इस बार न भाजपा आएगी न कांग्रेस आएगी, इस बार उत्तराखंड में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर बात होने लग गई है, उत्तराखंड की समस्याओं पर बात होने लग गई है। तो उत्तराखंड के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इनके नजरों में जो आ सके सोच रहे थे कि बेवकूफ है, उत्तराखंड के लोग बहुत समझदार हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ चीजों को देखते हैं, वो उनको अपना भला देखना आता है, उनको अपने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सा राजनीतिक दल कर सकता है, ये बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं इन दोनों राजनीतिक तो एक बात बताएं बसंत जी, एक बात बताएं, एक ये जो आप मतलब एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ना बीजेपी की सरकार आएगी ना कांग्रेस की सरकार आएगी, इस बार आम आदमी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ये किस आधार पर ये दावा आप लोग पेश कर रहे हैं? ये सर गौरी शंकर जी, ये भविष्यवाणी नहीं है, सत्य को सत्य ही देखो, सत्य स्थापित होगा। अगर मैं अभी ये कह दूं कि पश्चिम से सूरज निकलता है तो आप यकीन थोड़े ना कर लेंगे, सूरज तो पूरब से ही निकलेगा। इन लोगों ने 20 साल तक ठग दिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई विकल्प नहीं था, आज विकल्प खड़ा है और वो सही मुद्दों की, लोगों की जरूरतों की बात कर रहा है, तो ये स्वाभाविक बात है, ये सत्यता है, और इस सत्य को स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता। हर आदमी को अपना भला चाहिए, हर आदमी को बिजली फ्री चाहिए, और बसंत जी मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ।
लेकिन बसंत जी की बातों से एक बात जो मुझे समझ में चीजें आ रही हैं कि अगर वो दावा कर रहे हैं, उनके दावों में किसी तरह की सच्चाई है, भीड़ तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, मथुरा दत्त जोशी भले ही कुछ ना बोलें लेकिन बीजेपी के नेता इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त नजर आते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी से कोई खतरा नहीं है, है खतरा तो कांग्रेस का है। क्या मथुरा जी, आम आदमी पार्टी का उभरना कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही नहीं है? देखिए हर जगह ऐसा ही है, जो इतिहास है उसमें कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उत्तराखंड में क्या सियासी समीकरण को बैठाने के लिए, किसी तरह से उसको सेट करने के लिए आम आदमी पार्टी को तवज्जो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमें कोई नुकसान आम आदमी पार्टी से नहीं है और हमारी तो शुभकामनाएं हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत का संविधान ये अधिकार देता है, कोई पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति इंडिविजुअल भी चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय रूप से भी चुनाव लड़ते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने संविधान, अपनी पार्टी का संविधान और पार्टी की नीतियां और पार्टी के आदर्श और पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और जनता से जो वायदा करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। और हार जीत चुनाव में लोकतंत्र का तकाजा है, हार जीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण होते हैं जनता के मुद्दे, आप किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग ठीक है, देश में अपनी एंट्री कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा मथुरा जी एक सवाल में जानना चाह रहा हूँ, चूंकि अब चुनाव आ रहा है तो एक चुनाव से ही रिलेटेड एक सवाल में जानना चाह रहा था। हरीश रावत ठीक है, आप कहेंगे कि कोई झटका नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी की परिपाटी है, किसी फेस को हम लोग आगे नहीं कर रहे हैं, जीतने के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। मुझे एक थोड़ा सा बात बताएं, हरीश रावत जी बड़े एक्टिव थे उत्तराखंड में, बहुत एक्टिव थे, उनको लग रहा था कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पार्टी उनके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी देगी। मुझे थोड़ा सा बताएं, अब क्या आप लोगों की चुनावी रणनीति में कुछ खास खास नेताओं पर जोर होगा या फिर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे? क्योंकि थोड़ा सा मामला ऐसा लग रहा है कि अब अलग थलग दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, अलग अलग गुट में बंटने वाले हैं आप लोग, हरीश रावत का अलग गुट, बाकी कई नेताओं का जो उनसे नहीं बनता उनका एक अलग गुट बनेगा जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, हो सकता है। मथुरा जी बताइए सर। देखिए पहले भी टीम वर्क में काम होता था, आगे भी टीम वर्क में काम होगा, सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं तो चुनाव को लड़ाने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हाँ। और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने करनी है और पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, पार्टी का के नीतियां होती हैं, पार्टी के सारे लोगों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता है, सब लोग लड़ रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश प्रभारी जी भी 5 दिवसीय दौरा करके गए हैं, कल ही गए हैं, आज भी दिन भर हरीश रावत जी सुबह हरिद्वार से दिन भर कांग्रेस के कार्यालय में बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और नेता प्रतिपक्ष अपने क्षेत्र में दौरे में है, सारे लोग काम कर रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई मतभेद मनभेद की कोई स्थिति नहीं बन रही। चलिए ठीक है, मैं सुभाष जी के पास आता हूँ। सुभाष जी, चुनावी रणनीति से पहले दल बदल का खेल चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो जो बीजेपी छोड़ करके दूसरी पार्टी में देगा तो कुछ वैसा ही है जो कहावत आपने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या धामी के चेहरे को पूरी तरह से एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उत्तराखंड के तमाम नेता लगे हुए हैं या फिर कुछ और विकल्प की तलाश आप लोग के अंदर चल रही है, जरा बताइए ना सर, ताकि जनता थोड़ा समझे, क्योंकि उत्तराखंड में ना जनता से ज़्यादा जो है नेता हो गए हैं, एक्चुअली दिक्कत यह है, इसलिए जनता के मुद्दों से पार्टियां अलग थलग दिखती हैं, ज्यादातर वो सियासी बातें ज्यादा करती हैं वो। नहीं गौरीशंकर जी, देखिए उत्तराखंड में हमारे नेता निर्विवाद रूप से पुष्कर सिंह धामी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो जो है विधानमंडल दल के नेता हैं, और इस समय जिस प्रकार वो जनता के मामलों को अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाँ। इसमें जिस तरह से चारों ओर उनको भूरी भूरी जो है प्रशंसा हर तरफ से मिल रही है, हर सेक्शन को, हर वर्ग को जिस प्रकार से छूने का, कुछ ना कुछ जो है उनकी समस्याओं के समाधान का, कुछ ना कुछ हर वर्ग को देने का जो अभियान उन्होंने छेड़ा है अपने शासन के अंदर,
तो मैं समझता हूँ ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दोहरा फायदा है। एक तो वो हमारे स्वाभाविक नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता को वो भा रहे हैं, जनता को उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम, उनके द्वारा किए जा रहे काम, उनके द्वारा दिए जा रहे जो है तोहफे वो लुभा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि इस प्रकार से जो है एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो चुनाव के समय पे लगातार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो है चार साल के काम धामी जी ने जिनको आगे बढ़ाने का काम किया है वो सारे मिलकर जो है इतना जो है गैप अन्य हमारे मित्रों के बीच में और हमारे बीच में कर देते हैं कि जहां हमें तो कोई दिखाई नहीं देता है अपने आसपास भी उत्तराखंड के अंदर, मुझे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कोई दूसरा दल कहीं दिखता नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास मजबूत जो है अपनी एक उपलब्धियां हैं जो हमने जो है पहले चलिए ठीक है सर चलिए हमारे पास आपकी रणनीति है। चलिए आम आदमी पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस नेतृत्व आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर चार पांच सीटें भी आती है समझिए कि जीत, हालांकि आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। चुनावी रणनीति में क्या बस इतना ही है बसंत जी कि रोजगार गारंटी के तहत लोगों को जोड़ रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, और कांग्रेस और बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ भीड़ है इसलिए हम ही जीत रहे हैं। लेकिन भीड़ को वोटर में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है बसंत जी। देखिए गौरी शंकर जी, देखो कांग्रेस से पूछा तो वो कहती है आम आदमी पार्टी से हमको खतरा नहीं है, भाजपा तो वो कहती है हमको खतरा नहीं है, और ये दोनों जुड़वा भाई हैं हमारे नजरों में, हमने इनका नाम भांगरेस रखा हुआ है। दूसरी बात मैं आपको असली बता दूं कि अगर इनसे पूछिए जरा कि जो लोग रोड पे दिख रहे हैं ये कहाँ से आए, पहले उससे पहले उत्तराखंड में नहीं थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर उनको विश्वास खोकर आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी बनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और ये स्वाभाविक बात है, जो घर से मन बदल चुका है वही आज रोड पर भीड़ के साथ खड़ा है। और आने वाले समय में 2022 में अभी आपने कहा कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, सवाल भविष्यवाणी का नहीं है, सवाल बदनीयति और बदनीयति का है। अभी तक बदनीयति की सरकार उत्तराखंड प्रदेश में स्थापित थी 20 सालों तक भाजपा और कांग्रेस के रूप में, अब सदनीयति की सरकार आएगी, जन कल्याण की भावना से काम करेगी और लोगों का कल्याण की उसके पास पूरा ब्लूप्रिंट लोगों के सामने ले जा रही है। आदमी पूछ रहे हैं बिजली फ्री कैसे दोगे तो हम बता रहे हैं, आदमी पूछ रहे हैं कि आप जो है बेरोजगारों को रोजगार कैसे दोगे तो हम बता रहे हैं, और आदमी पूछ रहे हैं कि आप बेरोजगारी भत्ता कहाँ से दोगे तो उसका भी हम पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा आंकड़ा, पूरा कैलकुलेशन लेकर आ रहे हैं और पूरे अकाउंटिंग के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो उत्तराखंड में देखिए किस तरह से सियासी जोड़ तोड़